ये बस एक सब्जेक्ट नहीं है ठीक है इसमें एक खूबसूरती है तो वही कोशिश रहेगी कि आपको ये खूबसूरती दिखा पाऊरी बिखरी हुई है, फिर अगर है, नहीं है। ये समझ में नहीं आती है इसीलिए लोग डरे रहते हैं मैथ से बट वही डर हटाना है ही तो ये कोचिंग में अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट के नजरिए रट्टा नहीं मानना बिल्कुल हमें आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम मिले वो एक सिंपल पजल है बस पजल का सोल्यूशन आपको ढूंढना है तो अच्छा मेंटर शायद ही आपको कहीं मिलेगा तो हेलो बच्चों आप में से इतने सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा था भैया आई एस का बैच कब लाओगे कैसे प्रिपरेशन करें जल्दी लाओ लेट हो रहा है कौन सी बुक्स हैं प्रिपेयर कैसे करें स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं आई एस प्रिपरेशन के लिए आपको भी पता है कि अच्छे से कहीं रिसोर्सेज नहीं है अगर क्वेश्चन हैं तो सॉल्यूशन्स नहीं है क्वेश्चन सोल्यूशन दोनों हैं तो थियोरी नहीं है यही नहीं अगर ये सारी चीज़ें हैं तो अच्छे मेंटर्स नहीं हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बता पाए राइट right? इसके लिए आज हमारे पास अस्त्र में है एक स्पेशल मेंटर आईएसआई सीएमआई के लिए जो कि आए हैं सीएमआई से हमारे श्रेयम बैनर्जी श्रेयम ने आर एम क्वालिफाई कर रखा है उनका एआईआर 38 था आईएसआई के एंट्रेंस एग्जाम में उनका एआईआर 48 था आई एस आई के एमस्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एंड देन सी एम आई एलमनस तो हैं ही वो और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस उनका रहा है पिछले पाँच साल से ये आई एस के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं स्टूडेंट्स की तो इनसे अच्छा मेंटर शायद ही आपको कहीं मिलेगा एंड आज इस वीडियो में हम उनसे इंटरेक्ट करेंगे उनके पर्स्पेक्टिव जानेंगे पहले तो श्रेयम भाई अपने बारे में थोड़ा बच्चों को बताओ तुम कहाँ से हो और कैसे यहाँ तक पहुँचे हेलो बच्चो uh, मैं कोलकाता से हूं और मैं लास्ट पाँच साल से सी एम आई का स्टूडेंट रहा हूँ और लगभग पाँच साल से ही मैंने बच्चों को ट्रेनिंग दी है ओलम्पिक्स के लिए आई सी सी एम आई के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए मेरा मेन मोटिव यही है कि बच्चों को ये समझाना है कि ये बस एक सब्जेक्ट नहीं है ठीक है इसमें एक खूबसूरती है तो वही कोशिश रहेगी कि आपको ये खूबसूरती दिखा पाऊँ मैं एक अच्छे प्रूफ में एक, एक एलिगेंस होती है ज़्यादातर टाइम लोग ये समझ में नहीं आती इसीलिए लोग डरे रहते हैं मैथ्स से बट वही डर हटाना है स्कूल में जैसे मैथ सिखाया जाता है ज़्यादातर जगहों पे वही बोलते हैं ये फार्मूलाज रट्टा मारो इन्हीं फार्मूलाज को रट्टा मारो अलग अलग तरीके से वही सेम फार्मूलाज यूज़ करो बट आई एस आई और सी की प्रेपरेशन थोड़ी अलग है इससे क्या प्रॉब्लम्स है अभी अगर बच्चों को स्टडी मटीरियल के टर्म्स में बताया जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम आप देखते रहे हैं तो जहाँ पे थियोरी है वहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं अच्छे क्वेश्चंस मिलते तो सोल्यूशन छोटे होते हैं कैसे सोल्यूशन तक पहुँचे ये नहीं बताता कोई और जहाँ पे ये सब है वहाँ पे रेलिवेंस की थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि लाइक क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट हो गए या ज़्यादा ईजी हो गए वो एग्जैक्ट बैलेंस बहुत मुश्किल होता है मिलना भी ज़्यादातर जो बुक्स होती है ओलंपियड के लिए वो टॉपिक वाइज होती है नंबर थ्री की एक बुक हो गई एल्ज्रा की एक बुक हो गई कैलिकलस की एक अलग बुक हो गई अब कितने बुक्स खरीदोगे कितने बुक्स को रेफर करोगे और जब भी एक टॉपिक वाइज बुक बनती है तो वो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल हो जाती है टॉपिक्स वो ज्यादातर लाइक बी एस या एमएससी के लेवल तक चले जाते हैं चीज़ों को लेके जो हमें अभी इस वक्त ज़रूरत नहीं है और उसके अलावा जो आप सबको पता है कि टोमेटो जो बुक है उसमें सिर्फ क्वेश्चन सवाल दिए हुए हैं बहुत सवाल है उसमें बट कोई सोल्यूशन नहीं दिया हुआ है कोई थियरी नहीं है कि आप थियरी पढ़ो और उसके बाद वो सवाल करो पहले चेरी बिखरी हुई है फिर अगर क्वेश्चन है थ्योरी नहीं है Now, बहुत सारी और भी कोचिंग्स हैं जो बच्चों को प्रिपेयर करते हैं इन चीज़ों के लिए तो ही क्यों ज़्यादातर कोचिंग में जो होता है कि लाइक प्रॉब्लम्स दे दिए मानो हमने मान भी ले कि अच्छे प्रॉब्लम्स दे दिए बट उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको उस दिन कैसे लिखना होगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको सोल्यूशन आता है अगर आप वो लिख नहीं पाओ ठीक से तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम के दिन में तो वो एक स्टार्टिंग में थोड़ी हेल्प लगती है कि प्रूफ कितना लिखना है ज्यादा भी नहीं लिखना कम भी नहीं लिखना ठीक उतना लिखना है कि एग्जामिनर को अच्छा लगे तो ये गाइडेंस ज्यादातर कोचिंग में अवेलेबल नहीं है हमारा गोल इस मटीरियल के टाइम लिखते टाइम यही प्राइमरी गोल रहा है कि आपके नजरिए से बुक को लिखे ना कि एक ऑथर के नजरिए से कि बच्चों को क्या चाहिए पहले थियोरी सिंपल थियोरी उसके बाद थोड़े एडवांस एप्लीकेशन एग्जाम्पल्स ताकि आपको समझ में आए कि ये थ्योरी कहाँ पर यूज़ हो रही है उसके अलावा पास से क्वेश्चन सोल्व भी हैं अनसोल्व भी हैं सब कुछ है ताकि आपको ये समझ में कि ये थ्योरी तो मैंने पढ़ ली बट ये कौन से क्वेश्चन में यूज़ हो रहे हैं और कैसे यूज़ हो रहे हैं जो आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये स्टूडेंट के नज़रिए से ये लिखी गई है ये किताब रट्टा नहीं मानना बिल्कुल हमें याद रखना है चीजें समझनी है चीजों को और मजे लेने हैं ठीक है क्योंकि ये इन दी एंड एक पजल है आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम मिले वो एक सिंपल पजल है और इस पजल का सोल्यूशन आपको ढूंढना है आप जो भी पढ़ोगे आएस के प्रेपरेशन आपको लग रहा है कि शायद ये एंट्रेंस के बाद कभी लाइफ में कभी यूज नहीं होंगे बट आप हैरान हो जाओगे कि लाइक बड़े बड़े आर्टिकल्स जो लिखे जाते हैं बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स जो लिखे जाते हैं उनमें छोटी से छोटी चीजें यूज होती है ठीक है इन चीजों की एप्लीकेशन लाइक लिमिटलेस है और हर साल आप देख रहे हो कि नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं हर एक ओलम्पियट इतने सारे ओलम्पियट है हर जगह पे थ्योरी तो वही है सिलेबस तो वही रह रहा है बट हर साल नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसका मतलब यही है ना कि लाइक like, आप एक थियोरी को उठा के लाइक like, अलग अलग तरीके से देख सकते हो उसे ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है हमारा हमारा कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है और इसके बाद आपसे मुलाकात डायरेक्ट क्लास में होगी उसके बाद मिल बहुत मजे करेंगे कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनिए साई एस्ट्राफ और करे अपने आई ए टी एन का सपना साकार डाउनलोड दिया नाउ।